नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 17 मई से कर सकते हैं BCECE परीक्षा के लिए आवेदन। इसी महीने मिल जाएंगे सरकारी विद्यालयों को शारीरिक शिक्षक। 11 और 12 मई को दक्षिणी बिहार में आंधी बारिश का पूर्वानुमान। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार। धोनी ने दिल्ली के खिलाफ मैच में रचा इतिहास। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11 और 12 मई को दक्षिणी बिहार में आंधी बारिश का पूर्वानुमान। पिछले एक महीने से सूरज की तपिश झेलने के बाद पूरे बिहार वासियों ने ठंडी हवा और रिमझिम बारिश का आनंद लिया। राजधानी पटना सहित बिहार के सभी जिलों में कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश का लोगों ने आनंद लिया। आपको बता दें कि इस साल का पहला प्री मानसूनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका है। श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने इस तूफान को आसानी नाम दिया है। ये चक्रवात सीधे तौर पर तो बिहार को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन 11 और 12 मई को सूबे के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आंधी पानी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में 11 और 12 को गरज तड़क के साथ आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। जनता दरबार में इस मामले को सुन मुख्यमंत्री भी रह गए भौचक्के। मई महीने के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। आज जनता दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसे सुनकर मुख्यमंत्री भी भौचक्के रह गए। दरअसल ये कोरोना से हुई मृत्यु के मुआवजे को लेकर था। वैशाली सीआई एक महिला ने सीएम नीतीश से शिकायत दर्ज कराई। महिला ने कहा कि उनके पति की मौत कोरोना से हो गई थी। मुआवजा राशि लेने के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे, लेकिन हमारी फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। 4 लाख रुपए मुआवजे के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अफसर को फोन लगाया और कहा कि वैशाली की एक महिला हमारे सामने है, इनके पति की मौत कोरोना से हो गई है। कागज पर भी इसका उल्लेख है, लेकिन इसे सहायता राशि नहीं मिली। आप इस मामले को देखिए। 17 मई से कर सकते हैं BCECE बोर्ड के लिए आवेदन। BCECE ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म भरने की तारीख जारी कर दी है। BCECE परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 मई से शुरू होगी। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 जून है। वहीं फाइन के साथ पेमेंट की अंतिम तारीख 8 जून निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पेमेंट की तारीख 9 जून रखी गई है। वहीं आवेदन फॉर्म में आप 10 से 12 जून तक रात 12 बजे तक सुधार कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपए और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए रखे गए हैं। PCMB के लिए 1,100 रुपए देने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको BCECE की आधिकारिक वेबसाइट BCECEboard.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर। बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मामले में बिहार देश के चौथे स्थान पर है। इस क्षेत्र में बिहार की ये लंबी छलांग मानी जा रही है। नामांकन बढ़ने की वजह से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बिहार के सकल नामांकन अनुपात में रिकॉर्ड करीब 5% का इजाफा हुआ है। नामांकन रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश में चौथा सबसे ज्यादा नामांकन करने वाला राज्य बन गया है। सबसे अधिक नामांकन उत्तर प्रदेश में हुए हैं। आपको बताते चले कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए विभिन्न राज्यों की प्रविष्टि का अध्ययन के मुताबिक ही पिछले साल की इस रिपोर्ट में कॉलेजों की संख्या 845 थी। इसके साथ ही इस साल आने वाली रिपोर्ट में बिहार में 1,043 कॉलेज नामांकित है। पटना एम्स से बेतिया फोर लेन का काम इसी साल होगा शुरू। बिहार सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार सड़क, हाईवे, पुल, ब्रिज पर काम कर रही है, जिससे कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुविधा हो, साथ ही लंबी दूरी कम हो। इसी क्रम में पटना एम्स से बेतिया तक लगभग 167 किलोमीटर लंबाई में NH 139 W4 लेन सड़क का निर्माण इस साल शुरू होने की उम्मीद है। ये सड़क पटना एम्स से शुरू होकर सोनपुर होते हुए वैशाली, मणिकपुर, साहिबगंज, अरेराज होते हुए बेतिया NH 727 में मिल जाएगी। इसके लिए लगभग भूमि अधिग्रहण हो चुका है। वहीं अरेराज से बेतिया के बीच भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी जारी है। सड़कों का निर्माण 2023 तक और इस मार्ग में पड़ने वाले JP सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण 2025 तक होगा। वहीं राज्य के पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों को लाभ होगा। बिहार में एक बार फिर अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी की छतों पर होगी जैविक खेती। शहर के पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए छत पर बागवानी योजना शुरू की गई थी, जिसमें शहर के करीब 1300 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें राज्य के प्रमुख जिलों को शामिल किया गया था।
जिसमें राजधानी पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर शामिल थे। योजना में लोगों ने रुचि तो खूब दिखाई, हालांकि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। 20 लोगों की इस टीम ने ऑनलाइन फीडबैक लिया, जिसमें करीब सैकड़ों लोगों ने कहा कि ये वित्तीय वर्ष 2022-23 में रीलॉन्च किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अभी 300 वर्ग फुट की छत के लिए योजना है, इसमें इकाई पर 50,000 रुपए खर्च आते हैं। लाभुक पहले 25,000 रुपए जमा करते हैं, इसके बाद सरकार 25,000 रुपए और जोड़कर एजेंसी 50,000 रुपए देती है। ये एजेंसी ही छत पर पूरा सेटअप तैयार कर देती है। इस योजना के लिए उद्यान निदेशालय में केवल ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसी महीने मिल जाएंगे सरकारी विद्यालयों को शारीरिक शिक्षक। बिहार में सरकारी मध्य विद्यालयों में इसी महीने शारीरिक शिक्षक की बहाली हो जाएगी। शारीरिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू हुई थी। इसके तहत आज अंतिम मेधा सूची सभी जिलों को अपने अपने NIC पोर्टल पर प्रकाशित करनी थी। इसके बाद 28 मई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। 12 मई को जिला स्तर पर कैंप लगेगा, जिसमें मेधा क्रम में अभ्यर्थियों को आमंत्रित कर उनके प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करते हुए चयन सूची तैयार होगी। 13 मई को चयन सूची कोटिवार रिक्ति के मुताबिक NIC के पोर्टल पर प्रकाशित होगी। इसके बाद 28 मई को इस सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। बिहार के सिपाहियों के लिए सुनहरा मौका, बन सकते हैं ASI हवलदार। बिहार के सिपाही अगर ASI या हवलदार बनना चाहते हैं तो उनके लिए अवसर है। ASI हवलदार बनने से चूके सिपाहियों के पास सुनहरा मौका है कि वो प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स से ASI या हवलदार बन सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2003 तक बहाल मैट्रिक और नॉन मैट्रिक सिपाहियों के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स PTC और सीनियर लीडरशिप कोर्स की आखिरी ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। करीब 18 साल पहले बिहार पुलिस में नियुक्त हुए सिपाहियों को इसके बाद पुरानी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग करीब 802 सिपाहियों को दी जानी है। इसमें नॉन मैट्रिक पर बहाल 440 सिपाही भी शामिल है। ये अपनी ट्रेनिंग का कोर्स पूरा कर हवलदार बन सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बिहार में कोरोना के गंभीर लक्षण वाले मरीज नहीं। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बरकरार है। बिहार की बात करें तो बीते दिन पिछले 24 घंटे के जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 10 कोरोना के नए मामले मिले हैं। इसी तरह पिछले कई दिनों से बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव बरकरार है, लेकिन गंभीर मामले नहीं मिले हैं। इसका दावा खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इसमें गंभीर लक्षण वाले मरीज नहीं है। लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कोरोना की अभी कोई लहर नहीं है, फिर भी हमें सावधानी रखनी होगी। वहीं राज्य में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट के साथ टीकाकरण भी लगातार किया जा रहा है। बिहार टीकाकरण में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। बिहार के लोक कलाओं के उन्नयन में संस्कार भारती सक्रिय रूप से कर रही है काम। बीते दिन संस्कार भारती के बिहार प्रदेश के नए कार्यालय का पूजन उत्सव मनाया गया। इसमें कई गणमान्य उपस्थित हुए, जिसमें बिहार में कला और साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद्मश्री श्याम शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान श्याम शर्मा ने कहा कि बिहार के लोक कलाओं और लोक संस्कृति के उन्नयन में संस्कार भारती सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अतीत के स्वर्णिम इतिहास से प्रेरणा लेकर वर्तमान में सजगता और सक्रियता से किया गया काम ही उज्जवल भविष्य की राह तैयार करेगा। बिहार के 94% अस्पताल नहीं जारी करते हैं डेथ सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के अस्पतालों के जारी आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है कि बिहार के लगभग 94% अस्पताल मृत्यु मेडिकल प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं, और इसमें बिहार के करीब 683 अस्पतालों के आंकड़े शामिल है। 683 अस्पतालों में महज 42 अस्पताल ही ऐसे हैं जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं। देश में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ MCCD की रिपोर्ट 35 राज्य जारी करते हैं। इसमें बिहार सबसे नीचे है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में MCCD कवरेज खराब है। पूर्व CM ने कहा, राजद के समय में BPSC CM हाउस की कठपुतली बन गई थी। 8 मई को BPSC 67वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद से BPSC की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसका असर बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी देखने को मिल रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव सहित कल तक बिहार में मंत्री रहे मुकेश सहनी भी सरकार की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, जिसमें अभी तक सबसे बड़ा हमला पूर्व CM जीतन राम मांझी ने राजद पर किया है। जीतन राम मांझी ने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने वाले राजद पर हमला करते हुए कहा कि जिनके शासनकाल में
बीपीएससी सीएम हाउस की कठपुतली बन गई थी। जीतन राम मांझी का इशारा 2003 में हुए बीपीएससी नियुक्ति घोटाले की तरफ था। उस समय बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब बिहार के वर्तमान बीपीएससी चेयरमैन और अध्यक्ष पर न सिर्फ नियुक्ति के लिए पैसे लेने का आरोप लगा था बल्कि उन्हें जेल की सैर भी करनी पड़ी थी। पटना एयरपोर्ट पर लगेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। पटना एयरपोर्ट को नई नई सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यहां कोई भी समस्या ना हो और हर जरूरी सुविधा मुहैया कराई जाए। इसी कड़ी में पटना एयरपोर्ट को नया रूपरेखा दिया जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब एयरपोर्ट पर 25 मीटर ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी टावर का निर्माण करने की तैयारी की जा रही है। इसमें लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसे एटीसी टावर लग जाने के बाद से एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको बताते चले कि इस टावर में लगे अत्याधुनिक अप्लायंस और रडार से 500 किलोमीटर दूर से ही उड़ानों का नियंत्रण हो सकेगा। अगर रनवे बिजी होगा तो पायलट को इसकी सूचना भी पहले ही मिल जाएगी। इस हिसाब से वो उड़ानों की स्पीड को नियंत्रित कर सकेंगे। देश भर में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव बरकरार। देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 58 हो गई है। वहीं देश भर की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3207 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 7% कम है। जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही कोरोना से देश में जान गंवाने वालों की संख्या 5,24,093 पर पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20,403 हैं, जबकि 24 घंटे में 3410 लोग कोरोना से सही भी हुए हैं। धोनी ने दिल्ली के खिलाफ मैच में रचा इतिहास। बीते दिन डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने हुए। इस मुकाबले में चेन्नई ने दिल्ली के ऊपर बड़े अंतरों से जीत दर्ज की। चेन्नई ने दिल्ली को 91 रनों से हराया है। इसके साथ ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 8 गेंदों में 21 रन बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। आपको बता दें कि दिल्ली के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने 8 गेंदों में 1 चौके और 2 छक्के की मदद से नाबाद 21 रनों की पारी खेली और धोनी ने इस दौरान बतौर कप्तान 6000 टी20 रन पूरे किए। इसके साथ ही टी20 में बतौर कप्तान 6000 रन पूरे करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यहां पहला स्थान आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली का है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नुनु कुमार, रंजीत मेहता, विजयकांत, काजल कमल, नीतीश राणा, काजल कुमारी, साक्षी कुमारी, शंकर मुखिया। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति पहले से बेहतर देखने को मिलती है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन